के अरविंद भैया ही बतावा तो आर कार्यक्रम कैंसिल ना हो सकेला। हम की कहे कहत हो कि रत्सण न आकर के कहीं और चल जाते तो बड़ा बढ़िया हो जात। हमके तो आज गुलाम है ना का, हमके ई बतावा तू अपने प्रत्याशी के समर्थन करा दे हमरे प्रत्याशी के ही हो सकेला का। कहत हो कि नहीं तो ना हो सकेला। हमके तब इहो ना हो सकेला कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में अरविंद राजभर न आवे। मैंने कहा मैं आऊंगा और पैदल घूमूंगा। हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा कि भैया आप आइएगा जनसभा को संबोधित करके चले जाइएगा। हमने कहा अरे मर्दवा ये कैसे हो सकेला। अरविंद राजभर आवा और अक्सर में पैदल पैदल न घूमे, लोगों से मुलाकात न करे, ये कैसे हो सकेला। और साथियों आनंद फानंद में प्रोग्राम तैयार हुआ और आज इतने जनसैलाब के साथ हम घूमने का काम किए। और मैं बता रहा हूँ आपको, सब लोगों का विश्वास हो गया है कि नेता हो तो प्रकाश राजभर जैसा, क्योंकि जो नेता ओम प्रकाश राजभर जी कह देते हैं उस काम को करके दिखाते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अरे नगर पंचायत के साथियों आप जाके सबको बताइएगा, एक सिस्टम है दवाई वाला जिसको हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, वोट देना बड़ी बात नहीं है, वोट देने के बाद जो वोट देने वाले लोग हैं ऐसे लोगों तक उस सारी व्यवस्थाओं को पहुंचाना अगर पहुंचा दिया जाता है जिस नेता के द्वारा वही नेता होता है। साथियों एक बात आप चर्चा में लाइएगा, मैं अपने दुकानदार साथियों से भी कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही हो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, वोट देना चाहे मत देना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक काम जरूर बताता है हर जगह जाकर के, जो इलाज का पैसा आता है आप जिसको भी मतदान करते हैं चाहे सांसद को करते हो चाहे विधायक को करते हो चाहे जिसको भी करते हैं आप, एक व्यवस्था चलाई जाती है। अगर आपके परिवार में इस क्षेत्र इस विधानसभा में अगर किसी परिवार की तबीयत खराब होती है, अगर उस परिवार में पैसे की दिक्कत होती है, उस परिवार का इलाज नहीं हो पाता है, तो जिसको आप जितवाने का प्रयास करते हैं ये नियम में है कि वो विधायक वो सांसद वो मंत्री उस परिवार को 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया दे सकता है। इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। आप हमारे अजय राजभर जी को जितवाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ आप हमारे प्रत्याशी अजय राजभर जी को जितवाइए और आपके परिवार में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, दवाई के लिए आपके पास पैसा नहीं रहता है, चाहे कितना पैसा लग जाए 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया देने का काम मैं करूंगा। साथियों आपको आप अपने परिवार का इलाज निःशुल्क कराइएगा। आपको अपनी जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से सूद पर पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक हफ्ते का समय हमको दे दीजिएगा, एक छोटा सा काम करना होगा, आप सरकारी अस्पताल चले जाइएगा या किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जो सरकार का पैसा लेता हो उससे एक एस्टिमेट बनवा लीजिएगा कि हमारे हमारा जो मरीज है इसके इलाज में कितना पैसा खर्च होने वाला है, वो एस्टिमेट साथियों हमारे तक पहुंचवा दीजिएगा और एक हफ्ता के अंदर वो सारा पैसा आपको दे करके आपका इलाज करा दिया जाएगा। आपको किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है।